26/11 आतंकवादी हमले की बरसी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान शहराध्यक्ष दिनेश्वर पेठे द्वारा माल्यार्पण कर आदरांजलि दी गई। मुंबई में हुए भयानक हमले को 26 नवंबर 2021 को पूरे 13 साल हो गए। आज ही का दिन था जब पाकिस्तान में मौजूद जिहादी संगठन लश्करे तैयबा के 10 लोगों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला कर दिया था और 4 दिनों में 12 हमलों को अंजाम दिया था। ताजमहल पैलेस होटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सहित अन्य स्थानों पर हुए हमलों में 15 देशों के 166 लोग मारे गए थे। साल 2008 के नवंबर में हुए मुंबई हमले को 26/11 के नाम से भी जाना जाता है। उसी याद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। आज 26 नोव्हेंबर याच दिवशी मुंबईला एक दहशतवादी हमला झाला। त्या हमल्यामध्ये आपल्या महाराष्ट्राचे जवान त्याच्यात अनेक मृत्युमुखी पडले। त्यानिमित्ताने आज आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, शहराचे पदाधिकारी, प्रदेशचे पदाधिकारी आणि सगळे कार्यकर्ता, महिला पदाधिकारी यांच्यासहित आम्ही इथे आज श्रद्धांजलीचा कार्यक्रमासाठी आम्ही इथे उपस्थित झालेलो आहे। आम्ही ह्या क्षणी आम्ही एक मनोकामना ही केलेली आहे की जो दहशतवादी हमला जो शेजारचा देश देशाने घडवून आणला, असे हमले हमल्याची पुनरावृत्ती होऊ नये ह्याच अपेक्षेने आम्ही आज यात त्या ज्या हमल्यामध्ये जे जवान मृत्युमुखी पडले त्यांची आठवण म्हणून आम्ही श्रद्धांजली अर्पित करण्यासाठी आम्ही इथे जमा झालो। कॅमेरा पर्सन मायकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपूर।